इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें इस तरीके से लिखा हुआ आता है हमारे पीसी के अंदर, यहाँ पर जिस तरीके से हमें लिखा हुआ आ रहा है, द डिवाइस इज करेंटली बिजी एंड इट्स कंटेंट्स मे बी नॉट फुली डिस्प्लेड इट इफ अनदर एप्लीकेशन इज कॉपिंग डेटा फ्रॉम द डिवाइस, प्लीज वेट टू फिनिश देन रिट्राई। तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो गाइस, इस तरीके से आ रही प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जब भी आपको इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये देख लीजिएगा कि कौन से डिवाइस में आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। अब हमारे ये फ़ोन में आ रहा है, हमने USB इसमें लगा रखी है, बट क्या कर रखा है कि हमने जो चार्जिंग का पोर्ट है वो यहाँ पर PTP लगा रखा है, ठीक है। लेकिन हमें जो लगाना है यहाँ पर वो ट्रांसफ़र टू ऑटो एंड्रॉयड ऑटो लगाना है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको लगाएंगे ना तो हमारे कंप्यूटर एकदम ऐसा, मतलब PC हमारा जो है यहाँ से एकदम ख़त्म हो जाएगा, हमारे स्टोरेज का डेटा, फ़ोन के स्टोरेज का डेटा। और जब हम यहाँ से इसको खोलेंगे उसके बाद हम कोई भी चीज़ चलाएंगे तो वो एक्चुअली में रन कर जाएगी। और ये होता क्यों है गाइस, हमने पर P2P फोटो ट्रांसफ़र का जो मोड लगा रखा होता है, बट फोटो ट्रांसफ़र का मोड जब भी हम उसको लगाएंगे ना तो वो पहले कॉपी करेगा, ठीक है, उसके बाद प्ले करेगा। और प्ले भी क्यों करेगा, वो ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं उसको प्ले करने की, क्योंकि आपने परमिशन उसे सिर्फ फ़ोटो के दे रखी है, तो दिक्कत आएगी। अब यहाँ से आप कुछ भी प्ले कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्टली वो प्ले हो जाएगा, कोई ऐसे मतलब इशू वाली बात नहीं है। एंड डिस्प्ले पर भी मुश्किल ही दिखाता है वहाँ पर ये, तो ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा मतलब एरर नहीं दिखाएगा, मैं कोई वीडियो आपको चला कर दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर ये प्ले हो गई है। ऐसा हो सकता है कि एक दो दफ़े में ये ना दिखाए, बट चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इतना सा प्रोसेस रहता है बस इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।